विधायक कुलवंत बाजीगर ने अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। मार्केट कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के समय विधायक ने सभी खरीद एजेंसियों को दिए कड़े निर्देश, कहा कि किसी भी जिम्मेदार का गेहूं का एक भी दाना खराब नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने आढ़तियों पर तिरपाले न होने के लगाए आरोप। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी आढ़तियों पर हैं तिरपाले। विधायक जी मार्केट कमेटी के दफ्तर आए, उस तो बाद प्रशासन अधिकारियों सैकटरी मंडी सुपरवाइजर नाल लैके उन्होंने पूरी मंडी चैक की, जिदे जो शौचालय की सुविधा पानी की सुविधा बिल्कुल ठीक पाई गई। बारिश होने के कारण थोड़ा जहा मुक्चर च थोड़ी नमी पाई गई, पर फिर भी हैफड डी एफ एस सी के जो अधिकारी इतने आए हुए थे उन्होंने बुला के उन्होंने लिजा के जो ढेरियाँ सुखियां सी जिन्हों का मुक्चर सही पाया गया वो खरीद की गई। देखिए कल बारिश आ गई थी काफ़ी, तो आढ़तियों के पास तरपाल वगैरह सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। किसी भी तरह की कोई गेहूँ खराब नहीं हुई कहीं भी परचेज सेंटरों पे या हमारे प्रिंसिपल यार्ड में, और किसानों को जो सुविधाएं दी गई हमारे द्वारा बिजली पानी वो हर जगह हमने सब यार्ड और सभी परचेज सेंटरों पर मुहैया करवा दी गई है, और जो संबंधित एजेंसी उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो भी मापदंडों पर उतर रही है आज भी खरीद एजेंसी द्वारा खरीद की जा रही है जो अभी तक चल रही है मंडी में, तो शाम तक आंकड़े आ जाएंगे कितनी खरीद की गई है। और अभी तक जो मॉइस्चर आ रहा है हमारे यहाँ वो 16% तक आ रहा है। प्रशासन ठीक है, आज से शुरुआत की गई है, तो अभी ढेरियाँ चेक कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर देख रहे हैं, जो मॉइस्चर ठीक है वो डेयरी लिखी जा रही है, तो बाकी कल लिखी जाएंगी। और आज काफ़ी डी एफ एस सी भी और हैपड भी, ये दोनों एजेंसियां अभी साथ लिखने लग रही हैं, और एक एक किसान का दाना, एक एक दाना बिल्कुल लिखा जाएगा और सारा का सारा दाना जल्दी से जल्दी उठाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अब की बार जिस तरीके से पिछली बार भी आपको पता है जीरी की सीजन में भी कोई भी किसान है किसी को भी पूछ के देखो कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई, तो इसीलिए ना पहले दिक्कत आने दी और ना दिक्कत आने देंगे।